छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुनि श्री सुविधि कुमार जी के पावन चरणों में मेरे श्रद्धा सुमन सादर समर्पित वंदनीय मुनिवृंत उपस्थित हमारे नगर पालिका छापर के प्रशासक अधिशासी अधिकारी परवीन जी शर्मा, छापर आचार्य महाश्रमण चातुर्मास स्वच्छता समिति अध्यक्ष सम्मान्य मानचंद जी बुच्चा, सम्मान्य नानक राम जी तापड़िया और उपस्थित संगोष्ठी में शामिल छापर के प्रमुख उद्देशक। जैसा कि सभी जगह अखबारों सोशल मीडिया में हमारे राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में गाइडलाइन बराबर आ रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र जी मोदी और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक जी गहलोत कोरोना के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए जन आंदोलन, जनता का जागरण पैदा करने के लिए जनता का जागरण आंदोलन उन्होंने शुरू किया और अभी डेट भी बढ़ा दी गई कि लगातार हमारे धार्मिक स्थलों में, विद्यालयों में एवं हर मोहल्ले में, हर जगह कोरोना की जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार किया जाए कि कोरोना से कैसे बचा जाए, इसमें क्या सावधानियां रखी जाए। और मैं बधाई देना चाहूंगा छापर नगर पालिका ईओ परवीन शर्मा को कि वो सिर्फ इसे दिखावटी रूप में नहीं, हर जगह जहां भी प्रत्येक दिन वो अलग अलग जगह पर जाते हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेशों की पालना करते हुए वो रंगोली बना करके, बाइक रैली निकाल करके, छात्र रैली निकाल करके लगातार वो कई दिनों से इस संबंध में सक्रिय हैं और यथार्थ को साबित कर रहे हैं। और कल हाईस्कूल में भी छात्रों की रैली थी, कार्यक्रम था, हाईस्कूल बिल्डिंग समिति का अध्यक्ष होने के नाते हमने उन्हें पूरा सहयोग दिया, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। हमारे पार्षद सत्यनारायण जी स्वामी भी सक्रिय हैं और लगातार वो इस कार्यक्रम को में अपना जुड़ाव रख रहे हैं। मैं सभी लोगों को बधाई देना चाहूंगा। और आज हमने चातुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष सम्मान्य मानचंद जी बुच्चा से निवेदन किया कि जैसा कि राज्य सरकार की गाइडलाइन है, हमारे धार्मिक स्थल भिक्षु साधना केंद्र में भी इसे कोविड-19 की गाइडलाइन के लिए एक संगोष्ठी रखी जाए। मैं निवेदन करूंगा सम्मानीय मानचंद जी बुच्चा से कि आज वो इस गाइडलाइन कार्यक्रम में की अध्यक्षता स्वीकार करें। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में छापर के समाज सेवी नारायण राम जी तापड़िया और विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर पालिका ईओ श्री परवीन जी शर्मा और छापर महिला मंडल अध्यक्षा हमारी प्रेम नाडा यहाँ है। और इसी कोविड-19 में विशेष रूप से हमारे उत्साह वर्धन के लिए श्रीमती कमला देवी भंसाली और श्रीमती चंदा बुच्चा हमारे विशेष इसमें एम्बेसडर आज की संगोष्ठी के हैं। तो मैं कार्यक्रम के प्रारंभ के लिए सबसे पहले इससे कोरोना के बचाव को कैसे किया जा सके इस संगोष्ठी का मैं आगाज के लिए आमंत्रित करूंगा सुश्री साक्षी बेल। समाज को मेरा जय जिनेंद्र। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि कोरोना जो आज का चर्चित विषय बन चुका है, कई लोगों ने इससे विजय प्राप्त की है, कई संक्रमित लोग इससे रिकवर हो पाए हैं, तो दूसरी ओर हमें पता है कई लोगों ने अपने प्राण की बाजी भी हारी है। हमें कोरोना से बचाव के लिए अभी जागरूक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके लिए अभी कोई वैक्सीन भी नहीं बनी है। इसीलिए हमारी जागरूकता, हाथों को सैनिटाइज करना, मास्क लगाना, ये सभी चीज़ें हैं जो हमें कोरोना से बचा सकती है। हमें सार्वजनिक स्थलों पे हमने बोर्ड देखे हैं कि नो मास्क नो एंट्री, लेकिन मैंने छापर में कई स्थान ऐसे देखे हैं जहाँ पे खाली बोर्ड लगाए जाते हैं लेकिन इनकी पालना नहीं होती है, क्योंकि वहाँ के जो ओनर्स होते हैं वो खुद
खुद ही मास्क नहीं लगाते तो हम क्या लगाएंगे। तो खाली लिखने बोलने या जागरूकता फैलाने से कुछ नहीं होने वाला है, हमें जागरूक होना भी पड़ेगा। हमें अपने आसपास लोगों को बोलना पड़ेगा कि कृपया आप मास्क लगा के रखिए, तभी हम कोरोना से बच पाएंगे। कोरोना से बचने का एक अच्छा उपाय प्लाज्मा डोनेशन भी है, तो हम ये भी जागरूकता फैला सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लाज्मा डोनेशन करें ताकि लोग कोरोना से बच पाएँ। हमें जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मास्क लगाए, अपने परिवारजनों को ये जागरूकता फैलाए कि मास्क लगा के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, किसी के साथ उम्र मुनि श्री सविद कुमार जी के चरणों में सरस्वत प्रणाम, सहवर्ती संतों के चरणों में वंदन। आज के इसे कोरोना जागरूकता आंदोलन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आचार्य महाश्रमण ट्रस्ट एवं चातुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष सम्मान्य माणकवीर जी भूचा साहब, अध्यक्ष के रूप में विराजित सम्मान्य समाज सेवी नानक राम जी तापड़िया साहब और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे यो साहब, आज के संचालक संयोजक तेरापन सभा के प्रवक्ता हमारे प्रदीप जी सुराणा साहब, यहाँ उपस्थित समस्त भाई बहनों, मीडियाकर्मी, जैसा कि लगातार 2 अक्टूबर से ये अभियान चल रहा है और मैं तो ये कहूँगा कि 2 अक्टूबर ही नहीं, जिस समय देश के अंदर हमारे यहाँ राजस्थान में सबसे पहले लॉकडाउन 21 मार्च को शुरू हुआ था, 22 मार्च को पूरा हिंदुस्तान एक तरह से लॉकडाउन किया था, उसके बाद से लगातार जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 7 बार इसी बात को लेकर के संबोधित कर सके पूरे राष्ट्र को, जिसमें एक ही बात कहते हैं कि अभी कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए एहतियात बरतनी, अपने बचाव के उपाय करने, और वो बचाव के जो महत्वपूर्ण 3 उपाय, सबसे पहले तो कहते हैं कि नाक और मुंह को ढकने के लिए मास्क लगाए। हर आदमी घर को छोड़ करके, घर में तो सभी लोग दूरी अपनाते हैं, लेकिन घर से यदि बाहर निकलता है कोई व्यक्ति, कहीं पर भी जाता है, तो मास्क लगाए। और बिना, जैसे अभी रंगोली के माध्यम से वहां पे दिखा रखा है, नो मास्क नो एंट्री, आपको भी कहीं बिना मास्क के एंट्री नहीं करनी है, दूसरे को भी एंट्री नहीं देनी, ये उसूल अपना ले, सिद्धांत अपना। दूसरी बात वो कहते हैं कि सुरक्षित दूरी, 2 गज की दूरी है जरूरी और वो सुरक्षित दूरी होनी चाहिए, जैसा कि मैंने कल भी कहा था, 2 गज का मतलब दोनों अपने हाथ फैलाओ, ये 2 गज हो जाती है, इतनी दूरी कम से कम होनी चाहिए जहां पर अपने हाथ जाते हैं। और तीसरी बात है, नियमित रूप से हाथ धोए अंतराल के ऊपर, सैनिटाइजर है तो उसका उपयोग करें, और सैनिटाइज नहीं है तो कम से कम पानी से, साबुन के साथ, साबुन भी नहीं है तब भी पानी से कम 20 मिनट अच्छी तरह से हाथ धो लें। ये 3 उपाय अपना लेंगे तो निश्चित रूप से हम भी बचेंगे, हमारे परिवार को बचाएंगे, हमारे मित्र दोस्तों को बचाएंगे, और पूरे राष्ट्र को जो कोरोना मुक्त करने का संकल्प है हमारा, वो सफल होगा। इसी के साथ जय हिंद, ओम भारत। आपने मीडिया के माध्यम से देखा होगा, टीवी चैनलों पर, अखबारों में, हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार ये सब कहे उन्होंने कि जैन धर्म के साधु संत तो बहुत पहले से कोरोना के प्रति जागरूक है, ये मुंह पट्टी सभी, ये आप ही तो चल रहे हैं, ये मास्क मुंह पट्टी प्रारंभ से ही है। माननीय नरेंद्र जी मोदी ने अनेक बार कहा है कि मैं उनको नमन करता हूँ, कोरोना के बारे में सही रूप में जैन साधु सही प्रचार प्रसार वो कर पाते हैं, लोगों को जागरूक कर पाते हैं। तो इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित दूंगा तेरापन महिला मंडल मंत्री श्रीमती मंजू धुधोरिया। यहाँ विराजित केंद्र व्यवस्थापक मुनि श्री सुविध कुमार सह प्रति को मेरा भाव भरा वंदन। उपस्थित नागरिक नगर परिषद की टीम और हमारा छापर परिवार, आज ये कोविड-19 का जो यहाँ प्रोग्राम रखा है, ये एकदम बहुत ठीक है कि हमें ये जो मास्क है वो हमें बहुत लगाना जरूरी है। मैं सभी परिवार, हम ऐसे गलती करते हैं कि हम भी नहीं लगा के जाते हैं बाहर, तो मैं आज सभी को यही कहना चाहती हूँ कि अपने जब भी घर से बाहर निकले तो ये मास्क लगाना बहुत जरूरी है। और सबसे
यही है हमारी मंगल कामना। मैं महिला मंडल से सभी से यही निवेदन करती हूँ महिला मंडल की तरफ से कि हमें मास्क लगा के बाहर निकले और जो सोशल डिस्टेंस की दूरी है वो भी उसी का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। और दुकानदार जैसे ये बाहर वाले जो लगा के रखेंगे ना तो हम भी अपने आप वो बोल जाएंगे कि आप लगा के नहीं आते। तो सभी से यही है कि जो भी है वो सब मास्क लगाए। ओम अरहम इसी सभी को मास्क लगाना चाहिए। योसाफ अनुवर समिति ने करीब 7,000 मास्क छापन में उस समय वितरित किए थे। और चूंकि आपका यह निवेदन रहा कि हर जगह के लोग मास्क वितरण करें और आगे आ रहे हैं, मैं हमारे सम्माननीय अध्यक्ष रेखाराम जी बैठे हैं अनुवर समिति की ओर से 500 मास्क संपतमल जी कमला देवी भंसाली की ओर से और 500 मास्क स्वर्गीय सूरजमल जी बूचा परिवार के माणकचंद जी मंगलेश अखिलेश बूचा द्वारा रेखाराम जी आपको सुपुर्द किए जाएंगे। और भी भामाशाहों के मास्क आएंगे। हमारे समिति की महिलाएं हम लोग कार्यकर्ता लोग अपने मोहल्ले में घर घर जाकर के उन मास्कों का वितरण करें। जिन लोगों के पास मास्क नहीं है वहाँ मास्क पहुँचाएँ। ऐसी हमारी व्यवस्था लगातार जारी रहेगी। इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करूँगा हमारे लेक्चरर साहब शुभकर्ण जी आइए। और अब छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुनि श्री सुविधि कुमार जी के चरणों में वंदन। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मानव जी बुचा साहब, कार्यक्रम अध्यक्ष साहब ईओ साहब तापड़िया जी और ईओ साहब, आज का जो ये कोरोना जागरूकता अभियान है उसमें अपन को भी बचाना है अपने परिवार को भी बचाना है। उसी को ध्यान में रखते हुए जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने भी बताया है कि मास्क लगाना तो ज़रूरी है ही है, साथ में जहाँ कहीं पे भी अपन जाते हैं उचित दूरी के साथ 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 में उनको भी प्रेरित करें जो मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं या जिनके पास मास्क अवेलेबल नहीं है तो हो सकता है अपन ये प्रयास करें कि उनको अपन मास्क अवेलेबल करवाएं। साथ ही जब भी कहीं बाहर अपन जाते हैं किसी दूसरे स्थान पे तो सैनिटाइज़र का उपयोग करें। सैनिटाइज़र यदि अवेलेबल नहीं है तो अपन साबुन से हाथ धोएं। इसके साथ ही उचित दूरी के साथ साथ यदि अपन ये जागरूकता रखेंगे तो निश्चित रूप से इस कोरोना से बचा जा सकता है, अपन अपने परिवार को भी बचा सकते हैं, अपने समाज को भी बचा सकते हैं, देश को भी बचा सकते हैं। क्योंकि यदि अपन उचित दूरी बनाए रखेंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे तो जो चैन चल रही है इसकी इसको अपन तोड़ पाएंगे और ये कम्युनिटी ट्रांसफ़र है उसको अपन तोड़ पाएंगे। यदि उनको अपन तोड़ पाते हैं तो निश्चित रूप से अपन कोरोना से जीतेंगे और सभी स्वस्थ रहेंगे। इसी के साथ ओंकार। नगर पालिका के हमारे युवा अधिकारी श्री परमिंद जी शर्मा आप आइए और अपने उद्गार व्यक्त करें। अनुरत समिति के मुनि श्री जी को प्रणाम। आज के संगोष्ठी के अध्यक्ष जी माणक जी पूछा प्रदीप प्रणाम पधारे हुए सभी गणमान्य नागरिकगण महिला मंडल के अध्यक्ष महिला मंडल के समस्त। आज के जो संगोष्ठी का विचार मेरे मन में आया जैन समाज को भी इस कोरोना अभियान के अंदर शामिल करना चाहिए और करना चाहिए सरकारी तंत्र के साथ के अंदर, क्योंकि सरकार ने तो हमें आदेश दे दिया कि करना है। खाना पूर्ति भी हो रही है सब जगह जैसे प्रदीप जी ने बताया, बट मेरा एक उद्देश्य रहा कि एक वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा हम जब छोटे थे क्लास के अंदर पढ़ते थे कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। जब ये कोरोना आया तो पूरे विश्व में जब कोरोना फैला तो पूरे विश्व को एक परिवार की तरह रूप में संगठित कर दिया।
उसी का एक एक महायज्ञ हुआ कोरोना से बचाव का, और उस बड़े से महायज्ञ के अंदर एक छोटी सी आहुति छापर में देने की मुझे एक सौभाग्य मिला। सौभाग्य मिला छापर की 20,000 जनता की आबादी को जागरूक करने का, उसमें किसी कोरोना से डेथ नहीं हो इस तरीके का। तो 9 मार्च 9 एंट्री का अभियान 2 अक्टूबर 2020 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इसकी शुरुआत की गई। 30 नवंबर तक की इसकी तारीख बढ़ाई गई एक अभियान के रूप में। बट मेरा ये मानना है कि छापर से बड़ा जुड़ाव रहा है, तीसरी बार यहाँ पर स्थापन हुआ है कि हर एक गली मोहल्ले के अंदर हर एक व्यक्ति को, जनप्रतिनिधि को, सबको शामिल करते हुए इसके अंदर एक लगे न कि एक अभियान के रूप में रहे। जैसा कि प्रदीप जी ने बताया कि जैन समाज में तो पुरातन परंपरा ही रही है, तो एक इस समाज के माध्यम से ही एक मैसेज जाए, पूरे विश्व में जाए, पूरे छापर में जाए कि भी मास्क की क्या उपयोगिता रही होगी, आज ये उपयोगिता समझेंगे तो ही कोरोना से बचाव हो पाएगा। एक टोको रोको अभियान की छोटी सी शुरुआत भी है। हमने बस स्टैंड, सब्जी मंडी, व्यापार मंडल, कच्ची बस्ती, रेगर बस्ती, हरिजन बस्ती, छापर के प्रत्येक वार्ड को छूने का पूरा प्रयास किया है। तो टोको रोको अभियान के तहत कोई भी मिले बिना मास्क का उसको रोका, उसको टोका कि भाई मास्क पहने नहीं है। नगर पालिका से निःशुल्क मास्क वितरण की व्यवस्था कर रखी है। सरकार की तरफ से भी भामाशाहों के माध्यम से प्रदीप जी ने जो घोषणा की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी आ रहे हैं, अधिक से अधिक मास्क उपलब्ध हो, नगर पालिका को उपलब्ध हो, प्लस आपके जो मास्क बटे उसके अंदर आप भी जिनके माध्यम से बटे भामा तो वो भी सम्मिलित हो, उनकी भी न्यूज हो। और उसके साथ ही मैं एक और घोषणा करना चाहता हूँ कि जो मास्क होगा नगर पालिका को, नगर पालिका की तरफ से उनको एक प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उनका अभिनंदन किया जाएगा, उसका भी एक कार्यक्रम अलग से आयोजित किया जाए, अभिनंदन स्वरूप कार्यक्रम भी, एक लोगों मैसेज आएगा। इस तरीके का अभियान चल रहा है और एक प्रयास है। धन्यवाद। हमारी टीम हमारे समाज के भामाशाहों से संपर्क करेगी और अधिक से अधिक भामाशाहों को जोड़ने का प्रयास करेगी, एक सुखद कार्य है। इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित हूँगा हमारे 13वीं महासभा के भूतपूर्व महामंत्री श्री विनोद जी चौधरी। आराध्य के श्री चरणों में कोटि सा नमन। यहाँ विराजित मुनि श्री सुविध कुमार जी एवं सहवर्ती मुनिगण, सभी को मथुर वंदन। आज का ये कार्यक्रम COVID-19 को लेकर छापर में जागरूकता हेतु आप लोग सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। सभी का मैं छापर की तरफ से, छापर नागरिकों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ। उसके साथ ही जैसा कि आप सभी को विदित है, COVID-19 आज से लगभग 11 महीने पहले विश्व में फैल चुका था और भारत में लगभग आज 7-8 महीने और करीब 7.5 महीने हो गए। 20 मार्च के आसपास इसकी पूरी योजना बनी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इसका जागरूकता से सभी के साथ सभी को बताया कि कोविड क्या है। अभी सोशल मीडिया पर सभी डॉक्टरों का आपने जगह जगह पर देखा होगा कि डॉक्टरों ने कहा कि अब कोविड के बारे में जन साधारण ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, उसकी मेडिसिन वगैरह सभी को, सब कोई परिचित है कि ये चीज की आवश्यकता है, ये मेडिसिन है, मास्क लगाएं, हाथ धोएं। तो ये जागरूकता काम है कि फिर आज समय समय पर सेमिनार हो, सेमिनार के माध्यम से सब लोगों को मालूम हो, जागरूक हो कि भाई अभी जब तक कोविड की वैक्सीन पूरे विश्व में भी चल रहा है, हो सकता है जनवरी फरवरी में ये चीज चालू हो जाएगी। वैक्सीन यदि पूरी आ गई तभी भी पूरे भारत का इतनी आबादी है कि उसको कम से कम 6 महीने से 8 महीने लग जाएंगे वैक्सीन आने के बाद भी कि इसको पूरे जन जन तक ये पहुंच सके। तो ऐसा है कि अपने लोग जागरूक रहें, मास्क का, सैनिटाइजर का, साबुन से हाथ धोने का, सोशल डिस्टेंसिंग का, यही सभी को एक ही सबकी बात एक ही है कि इसको यदि अपने लोग अपनाएं तो अपने लोग सुखी रहेंगे, आराम से जीवन व्यतीत कर सकेंगे, कोई को कोई असुविधा नहीं होगी। और मेन तो इसमें जागरूकता का ही काम है इसमें है, जो और कोई इसका कोई इलाज दवाई वगैरह दवाई है वो जो है जो इस पर तो लागू होती नहीं, अन्य ठीक है सब जगह चलता है, दवाइयाँ भी है, ऑक्सीजन भी है, मास्क भी है, जो थर्ड स्टेज तीसरे चौथी जगह पहुँच जाता है तो फिर उसको अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ता है, ऑक्सीजन की वगैरह की भी आवश्यकता पड़ती है, तो वो तो बात की बातें हैं, मेन है जागरूकता रहने की बात है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम।
श्रीमान मानिक सिंह जी बुच्छा परिवार की ओर से, श्रीमान उनका एक नाम और लिया था ना मैंने, विनोद जी बंसाली, कमला जी बंसाली की ओर से, और इसी श्रृंखला में श्रीमान मांगीलाल जी मन्नालाल जी गेट द्वारा और श्री बंसीलाल जी दुधोड़िया द्वारा 500 मास्क 2000 मास्क हमें मिल चुके हैं और भी हम लोगों से संपर्क करेंगे। 500 मास्क श्री बंसीलाल जी बोथा की तरफ से, सभी में उत्साह है, मास्कों की ये साथ जैन समाज द्वारा वृद्ध स्तर पर बांटे जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा 7000 मास्क हम बांट चुके हैं और 7000 मास्क और बांटने का हमारा लक्ष्य रहेगा और निश्चित रूप से हमें सभी की ओर से मास्क मिलेंगे। तो इसी श्रृंखला में अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे आचार्य महासम्मन चातुर्मास व्यवस्था समिति के सम्माननीय अध्यक्ष श्रीमान मानक सिंह जी बुच्छा को। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट के लिए ये मास्क जो मेरे पहने हुए हैं वो अलाउ नहीं है। मास्क कपड़ा का होना चाहिए, आप सिलाए हुए मास्क दे सकते हैं, आप किसी भी तरह के मास्क ला सकते हैं, लेकिन ये मास्क हमारे जिलाधीश ने, हमारे राज्य सरकार ने इसको डिसलाइक किया है कि इससे सुरक्षा नहीं हो सकती। तो 500 मास्क हमें इशारे इशारे में मिल रहे, देखिए कितना जोश है। हमारी 13 पंथ महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती प्रेम नाहटा, नौतरमल जी नाहटा की धर्मपत्नी, उनकी ओर से 500 मास्क 2000 मास्क अभी तक हमें हो चुके हैं। अब मैं आमंत्रित हुआ श्रीमान बुच्छा साहब श्री को बाबरा वंदन, सम्मानित मंच, छापर के गणमान्य व्यक्तियों को मेरा बाबरा अभिनंदन। नगर पालिका की तरफ से विशेष करके प्रवीण जी शर्मा के अथक प्रयास से ये एक जागरूकता का अभियान छापर में चलाया जा रहा है, जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मैं 15 सितंबर को यहाँ कलकत्ता से आया था, आते के साथ जैसा मुझे मेरे परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा निर्देश दिया गया था कि आपको बिना मास्क घर से बाहर नहीं निकलना है, तो मैं मास्क लगा करके जब बाहर निकला तो मुझे कई व्यक्तियों ने टोक दिया, नहीं नहीं यहाँ मास्क की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगा कि लोगों में अवेयरनेस की कमी है, लोग जागरूकता के प्रति इतने जागरूक नहीं हैं जितना होना चाहिए। मैं खैर मास्क लगा रहा हूँ बराबर और देख रहा हूँ कि जब सरकार की तरफ से जागरूकता का अभियान चलाया गया है तब से थोड़ा थोड़ा असर दिखाई पड़ा है और लोग मास्क लगाने का उपयोग बढ़ा रहे हैं। ये चेतना जो है ये स्वतः ही आनी चाहिए, सरकार के द्वारा आए ये कोई फायदे वाली बात नहीं है। चलिए जैसे भी हो, देर आए दुरुस्त आए, यदि अभी भी हम लोग इसका ध्यान रखते हैं तो हम लोग कम से कम आने वाली विपदा से बच पाएंगे, अपने आप को बचा पाएंगे, अपने परिवार को बचा पाएंगे और एक एक कर करके एक से दस, दस से सौ, सौ से हज़ार, हज़ार से लाख, इस तरह से अपने पूरे समाज को बचा पाएंगे, ऐसा मेरा सोचना है। जैन समाज सामाजिक व्यवस्थाओं के अंदर में जहाँ जहाँ जैसे ज़रूरत होती है हर समय अग्रणी रह करके, और भाई प्रदीप इस मामले में काफ़ी सहयोगी बन कर करके ये सब चीज़ों में आगे ध्यान दे करके आगे बढ़ करके काम करता है, उसके लिए मैं प्रदीप को भी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहूँगा। मुनीश जी के सानिध्य में ये प्रोग्राम हो रहा है, मुनीश जी ने समय दिया, इसके लिए भी मुनीश जी की के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। क्योंकि वैसे छापर में ऐसे केस नज़र नहीं आ रहे हैं जैसे सुजानगढ़ में, विदासर में, रतनगढ़ में सुनने को मिले हैं, लेकिन फिर भी अपने तरफ से पूरा प्रिकॉशंस रखने की आवश्यकता है। एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, मैं बंगाल से बिलोंग करता हूँ, ज़्यादा समय वहीं रहता हूँ,
और पिछले कोरोना काल में सवा छः महीना घर में बंद की तरह बैठा था, बाहर ही नहीं निकला था। लेकिन मैं वहाँ टीवी के माध्यम से समाचार पत्रों के माध्यम से इस बात को महसूस कर रहा था कि राजस्थान सरकार कोरोना से लड़ने के मामले में काफ़ी अग्रणी रही। आज भी राजस्थान सरकार के प्रयास, हो सकता है केस ज़्यादा हो कम हो ये तो समय अपने हाथ में नहीं है, लेकिन उनके बचाव के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं ये राजस्थान सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार ऑलरेडी बहुत कुछ कर रही है, लेकिन मैं तुलना कर रहा हूँ और सरकारों की बनिस्पत, तो राजस्थान सरकार की तरफ से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि काफ़ी प्रयासरत हैं। माननीय मुख्यमंत्री भी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। ओम राम। मास्क के लिए एक और श्रीमती उमराव चोड़िया धर्मपत्नी विनोद जी चोड़िया की ओर से 500 मास्क हमारे अनुवर समिति को मिले हैं। रेखा राम जी, आप, मदन जी गोयल, शुभकर्ण जी, ये करमचंद जी, विनोद, ये सभी सत्यनारायण जी स्वामी से सलाह करें कि किन वार्डों में मास्क जरूरी है, जहाँ कमी है वहाँ हम भिजवाएंगे, भिजवाने की भी हमारी टीम है, तो सलाह करके डिसाइड करें। इस तरह से 3,000 मास्क हो चुके हैं और हमारा लक्ष्य 7,000 का बहुत जल्दी पूरा होगा। इसी श्रृंखला में अब मैं आमंत्रित करूँगा कि कोई भी व्यक्ति अगर इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करना चाहे तो 2 मिनट में कर सकता है। इस संगोष्ठी में अब जिन्हें हम सुनने को आतुर हैं, हमारे सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुनि श्री स्मृति कुमार जी से इस संबंध में हमें अपना प्रेरणा का उद्बोधन दे, ताकि इस कार्य को हम गति प्रदान कर सके। मुनि स्मृति कुमार जी, शरीर की पूर्ति के लिए, समाज में रहने के लिए, शरीर को बचाए रखने के लिए आज भी समाज के ऊपर आश्रित रहना पड़ेगा। वह समाज से निरपेक्ष जीवन नहीं जी सकता, इसलिए उसकी उद्घोषणा समाज से निरपेक्ष या समाज से निरपेक्षता की उद्घोषणा नहीं। व्यक्ति हमेशा ही सुखाभिला से रहा, सुख की उसकी सदा से कामना थी। जब व्यक्ति अकेला था तब भी उसकी आकांक्षा थी कि मैं सुख का और भोग करूँ, तब उसने एक समुदाय बनाया। जब उसने देखा कि समुदाय बनाया अपने सुखों की अतिरिक्त पूर्ति कर पा रहा हूँ, अतिरिक्त सुख का उपभोग कर पा रहा हूँ, तब उसका एक समुदाय से जुड़ाव। जब व्यक्ति किसी चीज से इतना जुड़ जाता है तब एकाकी बन जाता है, अर्थात उसमें द्वेष का भेद नहीं रहता। इसलिए जब भेद नहीं रहता तब उद्घोषणा और कर दी जाती है। उपनिषदों के ऋषियों ने उद्घोषणा भी की कि ओम पूर्ण विदम पूर्ण मद पूर्णा पूर्ण मदुच्यते पूर्णश्च पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि मैं पूर्ण हो चुका हूँ इसलिए मेरे से निकला हुआ अवशेष भी पूर्ण है। जब व्यक्ति भी समुदाय के साथ इतना संश्लिष्ट हो जाता है तब व्यक्ति अपने एकाकी भाव को खो चुका होता है, और जब एकाकी भाव को खो चुका होता है तब वह अपने आप को इकाई नहीं कहता बल्कि समुदाय का ही एक पक्ष कहता है। जब उसे एकाकी रूप में देखा जाता है तब वह इकाई नहीं होती। समुद्र से निकला हुआ पानी समुद्र न कहा जाए कोई बात नहीं, लेकिन असमुद्र नहीं कहा जा सकता। वैसे समुदाय से निकला हुआ व्यक्ति इकाई नहीं हो सकती बल्कि वह समुदाय ही है, उसे असमुदाय नहीं कहा जा सकता। जब इतनी संश्लिष्टता बढ़ जाती है तब व्यक्ति के भीतर चेतना का जागरण होता है, क्योंकि
शुभ की कामना सदा भी बनी होती है। जब जैसे जैसे शुभ की और इच्छाएं बढ़ती है और संश्लिष्ट होता चला जाता है। क्या कारण है कि व्यक्ति अपने ही इस सुखाभिलाषा पर कुठाराघात करने के लिए आतुर होता है? कुछ कारण होते हैं कि व्यक्ति अपने स्वार्थ स्वभाव को रोक नहीं पाता। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति परार्थ की सीमा में प्रवेश करने पर अपने स्वार्थ को गौण ही कर या नष्ट ही कर देता है। वह गौण हो जाता है लेकिन नष्ट नहीं होता। इसलिए व्यक्ति कई बार स्वार्थ की भावनाओं से भी उत्तेजित हो जाता है और वह स्वार्थ की भावनाएं जब बढ़ती है तब समुदाय की चेतना पुनः विघटित होने लग जाती है और व्यक्ति अपने आप को एकाकी समझकर वापस कुछ इस तरह की गतिविधियों से जुड़ जाता है जो समुदाय के लिए अच्छी नहीं है और सुख का भी उसमें आघात होता है और दुख का भाव बढ़ने लग जाता है। फिर पर्यावरण का संकट, समाज के ताने बाने का टूटना, उसमें तनाव, ये सारी व्यक्ति की स्वार्थपरता का ही परिचय है। युद्ध क्यों है? एक व्यक्ति का स्वार्थ है। पर्यावरण का संकट क्यों है? एक समुदाय का स्वार्थ है। इसी तरह से अनेक भागों में व्यक्ति या व्यक्ति के समुदायों को बांटा जा सकता है। कोई व्यक्ति संप्रदाय के रूप में बांटता है, कोई व्यक्ति जाति के रूप में बांटता है, कोई व्यक्ति देश और सीमा के आधार पर बांटता है, कोई व्यक्ति भाषा के आधार पर बांटता है। इतने जब बंटवारे होते हैं तब उसके पीछे एक भावना रहती है, वह स्वार्थ की भावना। हमारे सामने जैसे जैसे स्वार्थ की भावनाएं बढ़ती रहती हैं वैसे वैसे उसके समुदाय के संरक्षण की भावना और प्रज्वलित होती है, क्योंकि सुख का अभाव होने लगता है। इसलिए सुख को वापस बढ़ाने के लिए जाति के संरक्षण का अभाव विकसित होता है कि जाति का संरक्षण किया जाए। आदमी हमेशा से जाति के संरक्षण में लगा हुआ है। ऐसा केवल मानव के साथ ही नहीं बल्कि पशु समुदाय में भी नहीं कि वह जाति के संरक्षण में लगा हुआ, जाति का संरक्षण करता है। इसीलिए हमारी परंपराएं निरंतर बढ़ती जा रही है। अगर यह जाति का संरक्षण न किया जाता तो शायद परंपरा नहीं रहती। यह परंपरा चल रही है क्योंकि एक भाव, मैं हूँ, मेरे आगे वाले, मैं हूँ और मेरी आगे संतति निरंतर बनी रहे, यह भाव बना है। इसलिए हम उसके संरक्षण के लिए भी लालायित रहते हैं। युद्ध इस भावना का अभाव नहीं बल्कि इस भावना में कमी, जैसे जैसे कमी आती है तो संरक्षण जागरूकता का अभाव बढ़ा है। जब व्यक्ति में यह कमी आती है, व्यक्ति निरपेक्ष होकर चलता है, तब प्रकृति इसका दायित्व ले लेती है कि आदमी की उस चेतना को वापस जगाया जाए। प्रकृति जब इसका दायित्व लेती है तब कुछ समुदाय जो है वे कुछ अहंकार के साथ खड़े हो जाते हैं। इसलिए आज हमारे सामने मानव जाति तो निरंतर है, यह मानव जाति वर्ग के रूप में तो निरंतर है लेकिन एक विशेष के रूप में निरंतर नहीं है। आज बहुत सारी प्रजातियां केवल मानव के संदर्भ में ही, पशु संदर्भ में भी बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है। उनका विलुप्ति का कारण उनकी सामुदायिक चेतना का अभाव। प्रकृति ने उसे विलुप्त करने के लिए अपना रूप नहीं दिखाया बल्कि उसकी सामुदायिक चेतना को झुंकृत करने के लिए अपना रूप दिखाया, लेकिन वह अपने अहंकार को छोड़ नहीं सका और समुदाय की चेतना को विकसित नहीं कर सका। इसलिए प्रकृति को उसके ऊपर अपना पैर उठाना पड़ा। व्यक्ति समझे, व्यक्ति के साथ समुदाय समझे। हम गहराई से चिंतन करें कि हमारी चेतना कहाँ जा रही है। उपचार कोई बहुत बड़ी हल के रूप में देखा नहीं जा सकता, उपचार को बहुत बड़े हल के रूप में नहीं देखा जा सकता कि उपचार किए जाए। उपचार तो एक तात्कालिक आविष्कार है लेकिन मूल तो हमें देखना पड़ेगा कि मूल कमी कहाँ है। मूल कमी है हमारी सामुदायिक चेतना का अभाव, हमारी जातीय संरक्षण का के लिए हमारे प्रयास का अभाव। जैसे जैसे हम सामुदायिक चेतना की भावना को बढ़ाएंगे वैसे वैसे उपचार अपने आप होते चले जाएंगे, लेकिन हमारा ध्यान उपचार की ओर है। हम उपचार की ओर ध्यान देते बल्कि चेतना की ओर ध्यान दें कि हमारी चेतना किस तरह विकसित हो रही है, क्या वह स्वार्थ की चेतना की ओर बढ़ रही है या समुदाय की चेतना की ओर बढ़ रही है। हम व्यक्ति को जागरूक करें कि तुम्हारी चेतना समुदाय के बेल्थम और मिल को याद करना चाहूंगा, उसने बहुत सुंदर कहा था कि व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति एक है इसलिए सबका अधिकार भी एक। उसने एक दूसरी अभिव्यक्ति है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, व्यक्ति अधिक हो तो उसका सुख भी अधिक हो, इस तरफ आदमी का चिंतन होना चाहिए। इस तरफ अगर व्यक्ति का चिंतन होगा तो समुदाय की चेतना
विकसित होगी, समुदाय की चेतना विकसित होगी तो हमें उपचारों की अपेक्षा नहीं करेगी, उपचार अपने आप ही हो जाएंगे। जैन धर्म के बारे में कहा गया, जैन धर्म उपचारों पर आधारित नहीं कि उपचार करें, चाहे वह किसी भी रूप में मोमबत्ती लगाओ या कोई और चीज़ों का उसने अपने साथ नियोजन कर रखा है। दूरी की हमारी योजना बहुत प्राचीन है। प्रतिक्रमण करने वाली बहने या जुड़ी हुई बहने धर्म से जानते हैं भाई, मितावग्रह अनुजाने में वियोग, अर्थात जब आचार्य की या मुनि की सन्निधि में आया जाता है तब वह पहले आज्ञा देता है कि मैं तुम्हारे मितावग्रह में आ रहा हूँ। मितावग्रह का अर्थ है कि हम 3.5 हाथ की दूरी बनी हुई रहनी चाहिए। वह 3.5 हाथ की दूरी के अंदर प्रवेश करे किसी भी साधु के, तो वह पहले आज्ञा ले कि मैं आपकी आज्ञा लेकर आपके मितावग्रह में आ रहा हूँ, आप आज्ञा न दे और मैं आ गया, इसकी मुझे आलोचना दे, प्रायश्चित दे। तो यह केवल उपचार नहीं था, किसी भय से यह प्रेरणा प्रस्फुरित नहीं हुई थी, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़े कारण थे। वे थे हमारी चेतना को जागृत करने के, तो हम अपनी चेतना को सामुदायिकता का रूप दे। हमारी चेतना जैसे जैसे स्वार्थ की ओर बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी चेतना समुदाय से निरपेक्ष होती चली जाती है। हम सामुदायिक चेतना का विकास है। व्यक्ति का अगर मैं किसी दूसरे को पीड़ित नहीं करूंगा तो मांस अपने आप ही आ जाएगा। मैं किसी दूसरे के लिए हानिकारक रूप में अपने आप को प्रस्तुत नहीं करूंगा तो अपने आप ही व्यक्ति के हाथ धोने की प्रक्रिया हो या दूरी की प्रक्रिया हो, ये अपने आप आ जाएगी। पर पहले वह चेतना तो जगे कि मैं किसी के लिए किसी भी रूप में कष्टकारी नहीं बनूंगा। तो यह हमारी चेतना जगे, और चेतना जागृति के लिए बहुत सारे नियम हैं, जैन धर्म में भी हैं, अन्य अन्य धर्मों में भी हैं। तो हम उन नियमों को केवल धार्मिक परिप्रेक्ष्य में भी न देखें बल्कि एक सामाजिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो हमारे सामने उपचार की अपेक्षा, उपाय की अपेक्षा एक विस्तृत चेतना जागृत होगी जो शायद उपचार और उपायों से ज़्यादा कारगर। Thank you.